सिक्योरिटी, यू नो, क्राउड कंट्रोल, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर, कि लॉन्ग लॉन्ग शॉर्ट्स के अंदर वहाँ 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 तक के फिर वो लोग दिखाई देते हैं, फिर उनको जाके निकालो, फिर टाइम नहीं होता है, एक्टर वैसे ही लेट आते हैं, उसके बाद सीजी के अंदर सबको निकालना पड़ता है, फिर फिल्म डिले हो जाती है. तो वी ट्राई एंड शूट ऑन सेट्स एंड देन ऑल्सो लिटिल बिट ऑन रियल लोकेशन. एक और सवाल ये कि क्या इससे पहले अखाड़े में उतरे आप, मतलब सेहत को लेकर? बचपन बचपन में, बचपन में, बिकॉज माई फैमिली, माई चाचाज एंड दे, घर के सामने एक एक अखाड़ा हुआ करता था, वेयर एज किड्स इन इंदौर हमको ले, यू नो, लेके जाते थे. अनुष्का, आपका रेसलिंग को लेके कैसा अनुभव रहा है? आपने भी इसमें रेसलिंग की है, तो कहीं से आपने देखा, कुछ सीखा इसमें, मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने पहलवान को पटका था? देखिए, शुरुआत में मैं एक्चुअली बहुत डरी हुई थी, बिकॉज पहली बात मैं रेसलर की तरह लगती नहीं हूँ. तो और हमारा एक परसेप्शन होता है रेसलर्स को लेके कि रेसलर्स एक पर्टिकुलर साइज के होते हैं. तो बिगिनिंग में तो आई वॉज जस्ट लाइक लुकिंग एट आदित्य चोपड़ा एंड सेइंग, आर यू श्योर ये कैसे होगा? बट मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ लोग लंबे मेरी तरह भी थे, लाइक सम इंटरनेशनल रेसलर्स. सो आई थॉट कि बस यही मुझे करना है, आई जस्ट हैव टू लुक टोन्ड सो दैट I can look the part. And anyways, कैमरे पे तो आप थोड़े मोटे लगते हैं. और वैसे ही वेट कैटेगरीज होती हैं, वेट कैटेगरीज होती हैं. करेक्ट, वेट कैटेगरीज होती है. तो मेरी वेट कैटेगरी भी थोड़ी कम वाली थी, 15 किलो की नहीं 58 की थी. बट जो मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगा था, इट्स अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, तो आप किसी के बहुत ज्यादा करीब होके मतलब ऐसे करते हैं. तो आई थिंक एज एन एक्टर एंड एज अ गर्ल, यू नॉट सो यूज टू कि कोई आपके मतलब इतना पास लाइक इन रहता है. तो इन द बिगिनिंग आई टू फील वेरी अनकम्फर्टेबल अबाउट दैट. बट धीरे धीरे जब मैंने वीडियोज़ देखे खूब सारे मैचेस के, एंड आई रियलाइज कि अगर करना है तो यू टू गो ऑल इन. सो देन आई वेंट फॉर इट. आई डिडंट केयर अबाउट एनीथिंग. आई रियली रियली लर्न द मूव्स प्रॉपरली.